हर महादेव हर। गणपती बाप्पा भाई ऊपर कर ले तो जैसे कि हम निकल पड़े हैं नागपुर के तालाबों का जायजा लेने, हम उसी सिलसिले में पहुंचे हैं नागपुर के फुटाला तालाब ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो तालाबों में नहीं बल्कि कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया जाए, तो ये पर्यावरण को देखते हुए, कोविड के नियमों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था, जिसका लोगों ने, हमारी जनता ने कहाँ तक पालन किया और कहाँ तक नहीं, ये इसका हम जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं नागपुर के फुटाला तालाब में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो ये पूरा पैक कर दिया गया है, तो हम उसका नज़ारा तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये जो पालन है लोगों द्वारा काफ़ी अच्छे से किया गया, तालाब की सुंदरता अभी भी पहले जैसी ही है जैसी थी। तो हम जानना चाहते हैं कुछ लोगों से कि जो गणपति बाप्पा का जो विसर्जन का आज दूसरा दिन है, तो कल काफ़ी भीड़ रही होगी, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि लोगों ने सही तरीके से इसका पालन किया कि नहीं किया। तो जैसे कि महानगर पालिका द्वारा ये जो नियम निर्णय लिया गया है कि जो गणपति की जो मूर्ति है वो तालाबों में विसर्जित ना करें बल्कि कृत्रिम ये जो तालाब बनाए हैं उसमें विसर्जित करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस पर क्या आपकी राय है? इसमें सबसे अच्छी राय तो ये है कि जो अपना वातावरण है वह शुद्ध रहे और तालाब में गंदगी नहीं फैले, इससे सबसे अच्छा है कि जो महानगर पालिका ने जो सुविधा बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा रखा हुआ है इन लोगों ने, पानी इससे गंदा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, जो भी फूल वूल है सब पहले ही बाहर रखना पड़ता है, उसके बाद मूर्ति लाके विसर्जित कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कल जो विसर्जन का दिन था बाप्पा का, आज दूसरा दिन है, तो यहाँ कितनी मूर्तियाँ विसर्जित हुई जो कि तालाब में ना होते हुए कृत्रिम तालाब में की गई है? टैंक में लेते बोलते बोलते हजार या डेढ़ हजार मूर्ति विसर्जन हुई है टैंक में और बाहर में अलग हुई है, तो अच्छा है, सही तरीके से किए, सही तरीके से पालन किया और जो भी पुलिस प्रशासन था उनने भी जो भी सपोर्ट किया बहुत अच्छा है कि सिर्फ दो जन अंदर आ रहे थे और दो ही जन को अंदर एंट्री थी, बाकी किसको एंट्री नहीं थी। निर्मल ने सामग्री सब बाहर के बाहरी, जो भी हार फूल है सब बाहर के बाहरी, एनएमसी वाले पूरे बाहर के बाहरी फूल वगैरह हार वगैरह डाल के वहीं पर आ रहे थे, सिर्फ मूर्ति आ रही थी और मूर्ति लेके यहाँ से डाल रहे थे बस। तालाब में विसर्जन करना तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होता था कि जो तालाब की गंदगी होती थी वो तो अभी हो नहीं रही है और यहाँ जिस तरीके से अरेंजमेंट किया वो भी अच्छा है, कचरा तो कचरा ही होता है जो बाहर के बाहर अभी निकल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो अपन तालाब में करते थे सब कचरा, ये गंदा पानी होता था, फिर उसका परिणाम भी अपने को भोगना पड़ता था, इसलिए जो अभी हो रहा है टैंक बनाए और डालने का सुरक्षा अपने को मिली है उसका अपन तो फॉलो करना चाहिए, और अपन करेंगे तो सब लोग करेंगे, अपन ही नहीं देखेंगे तो सब लोग क्या करेंगे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। दो गए साल से जो आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जन का कार्यक्रम चालू है और उसको पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, उससे नेचुरल जो वाटर बॉडीज है वो भी ख़राब नहीं हो रही है और लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस भी आ गया है, लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा सिटी में भी बहुत जगह पर टैंक लगाए हर एक जोन में, उसको भी लोगों का अच्छा कॉपरेशन है और लोग इस बार बहुत हैप्पी है कि उनको सब सुविधाएँ मिल रही है। इस बार इवन पोर्टेबल टैंक की भी व्यवस्था की जाए, जो घर में फ़ोन करने के बाद में उनके घर के तरफ में घर में जाती है वहाँ से विसर्जन करा लेती है, और इसको हम रेगुलर टैंक जो है आर्टिफिशियल टैंक इसको रेगुलर क्लीनिंग होते रहता है, मेंटेनेंस होते रहता है, लोगों को उसकी भी अच्छी सुविधा हो रही है। जो पहले थोड़ा तकलीफ जाती थी, भीड़ एक साथ हो जाती थी, अभी वैसा नहीं रहा। तो जैसे कि कल बापा का आज का दूसरा दिन है विसर्जन का, कल पहला दिन था, तो क्या लोगों ने इन सब जो नियमों का पालन किया ठीक तरीके से? पालन किया उन्होंने, लोगों का अच्छा कोऑपरेशन रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का इसके बारे में और लोग खुश है इस बारे में, और इवन लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है कि इस बार महानगर पालिका ने कुछ अच्छा किया है और अच्छा हो रहा है करके, और अवेयरनेस बहुत आ गया है कि लोगों में टैंक में विसर्जन करने में भी कुछ ये नहीं, पहले लोगों को अलग था, नेचुरल बॉडीज जो है वाटर बॉडीज जो ख़राब होती थी पहले अभी करने वो नहीं हो रही है, तो अवेयरनेस बहुत आ गया लोगों में इस बारे में। हाँ, ये इनिशिएटिव जो ये वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उठाते हैं, काफ़ी लोग उसका अपोज भी करते हैं, लेकिन जो सही है उसका सपोर्ट करना चाहिए और ये ज़रूरी है, आपकी श्रद्धा भगवान के लिए होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ कुछ लोग छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का इश्यू बना देते हैं तो वो सही बात नहीं है,
क्योंकि तालाब में इतनी मछलियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकलाइज मूर्ति आपको होती है सारी, तो उस कारण काफ़ी कुछ चीज़ों का लॉस भी होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल को जो है जितना शुद्ध रखा जाए उतना अच्छा है। और भगवान की मूर्ति प्रतिमा जो है खास करके आस्था की विषय है। आस्था और भक्ति भाव से जहाँ भगवान की सेवा होता है वहाँ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। निर्माल्य जो है तालाब को जो है गंदा करने से बचा रहे हैं, ये अच्छा बात है। प्रशासन ने बहुत अच्छा सुविधा किया है, जो कि निर्माल्य को एक साइड किया गया है, मूर्ति जल में विसर्जन किया गया है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि तालाब का कचरा तालाब में जाने से अच्छा एक जगह स्टे रुका हुआ है और उसमें बढ़िया है, तो यानी इकट्ठा करके यानी फेंक सकते हैं अपन सब चीज़ें। और नागपुर महानगर पालिका ने अभी जो नियोजन किया है यहाँ पे, ये तालाब के अंदर मूर्तियाँ नहीं सिराना, यहाँ पे टैंक बना दिया है, यानी कचरा जो है तालाब में आएंगा नहीं, कुछ नहीं होगा, यानी जो भी कचरा यहाँ से अब नागपुर महानगर पालिका के लोग निकाल सकेंगे। बहुत अच्छा नियोजन किया है, बहुत बढ़िया किया है। अभी जो विसर्जन अगर कर रहे हैं, पहले हम लोग तालाब वालाब में करते थे तो पहले बहुत इसके कारण पोल्यूशन हो जाते थे, तो इसके वही पानी को हम लोग जाके यूज़ होता था, वही इन्वायरमेंट को जाके अफेक्ट करते थे, वही पानी जानवरों में पीते थे, उनको उसकी वजह से बीमारी होती थी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये सब चीज़ वेस्टेज ना करते हुए एक अच्छी जगह पे जाके उसको अच्छे से विसर्जन करें, अपनी श्रद्धा अपने तरफ भी रहे और उसको हम लोग कहीं स्पॉइल भी ना करें। तो बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। अगर पानी अगर सोच रहा है तो अपने लिए अच्छा है ना, अगर पानी गंदा होगा तो फिर अपन कैसे पानी का उपयोग करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा कैसे अच्छा किए सरकार जो भी किए है ना, बहुत अच्छा किए। और पहली बात तो ये सब चीज़ें करना ही चाहिए। अभी जैसा कोविड का समय चल रहा है, जो कोविड चल रहा है अभी, वो कोविड के लिए तो ये बहुत अच्छा है, भीड़ नहीं है चालू, ज़्यादा पब्लिक नहीं आ रही, 5-6 लोगों में ही काम अपना अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि आगे चल के कोविड ना फैले। और जब तो सब अच्छा हो जाएगा तो फिर तो सरकार तो खुद ही अनुमति देंगी ना। तो जैसे कि आपने फुटाला तालाब का भी हमने जायज़ा लिया और अभी हम गांधी सागर शुक्रवारी जो तालाब है वहां का भी हमने जायज़ा लिया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने नियमों का पालन किया है। जो गंदगी हमें टैंकों में दिख रही है वो कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले हमें तालाबों में देखा करते थे, जिसकी वजह से पर्यावरण के साथ साथ जंतु जो पानी में जो जीव पलते हैं जैसे मच्छी हो गया, उनको भी काफ़ी तकलीफ होती थी, उनकी भी जीव हानि होती थी। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने प्रशासन द्वारा जो नियम लगाया है उसका काफ़ी अच्छे से पालन किया। बस आपको यही जायज़ा दिखाने के लिए, यही स्वरूप जो दिखाने के लिए हम लोग निकल पड़े थे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर। नमस्कार।